हेलो दोस्तों, आज के नए ब्लॉग में बहुत आपका स्वागत है। और आज है रक्षाबंधन ब्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हम सभी लोग आ गए हैं हमारे भाई के घर पर, और हमारी भाभियाँ सभी लोग अपने अपने भाई के पास गई थी राखी बांधने के लिए। तो मैंने सोचा कि चाची को क्यों तकलीफ देना, और अच्छा भी नहीं लगता कि बड़े बैठे बड़े काम करें और हम बैठे रहें। तो मैंने सबसे पहले काम किया, सबके लिए चाय चढ़ाई, क्योंकि चाय बिना हमारे घर में किसी का भी नहीं चलता है। तो सभी के लिए चाय और नाश्ता तैयार किया मैंने, और अब सभी लोगों का चाय नाश्ता तैयार होकर रेडी हो गया है। और अब मैं चाची से कह रही थी कि चाची फटाफट कपड़े चेंज कर लो और रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन शुरू किया जाए। तो चाची कह रही थी कि ठीक है चलो मैं चेंज करती हूँ। और यहाँ पे देखिए हमारी प्यारी सी थाली सज चुकी है। भाई बहन की जो टूट रिश्ता है, हमेशा सबका रिश्ता बनाए रखे, इसी कामना के साथ हम सबसे पहले जो है मेरी बड़ी दीदी राखी बांध रही हैं। हमारे यहाँ शुरू से ऐसे ही हुआ है, जो सबसे बड़ा रहता है, और मतलब जैसे जैसे क्रम जो बड़ा फिर उसके बाद छोटा, इस तरह से राखी बांधते आई हैं। इनके बाद मधुरी दी बांधेगी, उनके बाद मैं, और उसके बाद छोटी बहन। लेकिन छोटी बहन यहाँ नहीं है, वो गाँव में, तो हमने उनको भी बहुत मिस किया। और जो भाई यहाँ पर नहीं है उनको भी बहुत ज़्यादा मिस किया। तो यहाँ पे देखिए सभी भाइयों को दीदी राखी बांधते बांधते कुछ ना कुछ उनके लिए मंगल कामना कर रही थी। और हम सभी लोगों के मैं यहाँ पे एक बार फिर से मंगल कामना करना चाहती हूँ कि हमारे सभी भाइयाँ सभी भाई लोग बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत करें, लंबी आयु दे हमारे भाइयों को, उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि वैभव सदा रहे, और खुशहाल जो उनकी इच्छाएँ वह सारी इच्छाएँ पूरी हो, इसी कामना के साथ हम सभी लोगों का आशीर्वाद, ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार हम सब भाइयों के लिए है। हम सब भाइयों पर यह हमारा प्यार सदा सदैव बरसता रहेगा। तो ये भाई बहन का जो रिश्ता है ना, बहुत बहुत प्यारा होता है, और इसे निभाने के लिए किसी चीज़ की मोहताज नहीं होता है कोई, कि वो ऐसा करेगा ये वैसा करेगा, सब दिल से होता है। और यही दिल की भावना, बस दिल से दिल की जुड़े होते हैं, और बस ये बहुत बहुत क्या कहें, भाई बहन का रिश्ता मैं बहुत मिस कर रही हूँ, जो भाई लोग यहाँ पर नहीं थे। तो बस आप बताइए आपके यहाँ पर कैसे होता है रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन। मैं आपको बता दूँ, हमारे यहाँ तो मैंने पहले भी बताया था, हम लोग सिर्फ भाई बहन को राखी बांधती है, ऐसे नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे सुशील और अमन को खुशबू राखी बांध रही है, लेकिन सुशील और अमन को हमने भी राखी बांधी है, और उसके बाद हमने चाचा को राखी बांधी, जैसा कि पिछले ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया था। फिर चाचा की फ़ोटो पर राखी बांधी, और भगवान जी को राखी बांधी, साथ में खुशबू ने हम सभी को राखी बांधी, मैंने अपनी बड़ी दोनों बहनों को राखी बांधी, मम्मी को राखी बांधी और चाची को राखी बांधी दी। इस तरह से हमारे यहाँ पर सिर्फ भाई और बहन के बीच रिश्ता नहीं होता है, जिस तरह से खुशबू ने भी सारे मामा को राखी बांधी, तो ये रिश्ता बहुत ही अटूट है भाई बहन के रिश्ते के साथ में। ये जो रिश्ते हैं ना, बहुत सारे रिश्ते मिलकर एक रक्षा सूत्र बनता है। और अब दीदी मधुरी कर रही है आरती, और साथ में क्योंकि फ़ैन की प्रॉब्लम होती है इसलिए भाई लोग ने बोला सबसे पहले आरती कर लो, ये नियम थोड़ा इसके हिसाब से कर लिया जाता है, क्योंकि अगर एक एक बहन बांधेगी तो फ़ैन बंद करना पड़ेगा, दिया बुझ जाएगी। तो सबसे पहले हम सभी लोग ने आरती उतार ली, क्योंकि भाई लोग को बिल्कुल गर्मी चलती नहीं है, और एसी हमारे यहाँ पर है नहीं इस समय। तो चलिए मिलते हैं, एसी है लेकिन एसी ऊपर के रूम में था, नीचे के रूम में नहीं था। तो बस ये छोटा सा व्लॉग था आप सभी के लिए, आप आशा करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो अब यहाँ पर खुशबू आ गई है मेरे हाथ से फ़ोन लेने, क्योंकि अब मेरी बारी है राखी बांधने की, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया सबसे बड़ी बहन, फिर उसके बाद दूसरे नंबर की बहन, उसके बाद मेरा नंबर था। इस तरह से बारी बारी से सबने राखी बांधी, और बाद में खुशबू ने छोटी बहन की भी राखी, किसी की भी राखी सभी भाइयों को बांधी थी, और सभी भाइयों को एक साथ बहुत सारा प्यार। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर खुशबू बांध रही है अपने प्यारे प्यारे नियो को। आपने शुरुआत में पिछले ब्लॉग में देखा था, मैंने एक दिन मैंने भी राखी बांधी थी रक्षाबंधन
रक्षाबंधन के दिन ही, चूंकि वहाँ पर नियो था शेल्टर में, इसलिए नियो को दूसरे दिन खुश राखी बांध रही है और बहुत बहुत प्यारा लग रहा था नियो। वो बार बार उधड़ बन कर रहा था, नीचे जा रहा था, इधर आ रहा था, उसको ज़बरदस्ती कैसे कैसे लालच देख कर बैठाना पड़ा था। तो चलिए यही छोटा सा ब्लॉग था, आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई सजेशन हो तो ज़रूर से ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आप सबका प्यार बनाए रखिए। विश यू वेरी वेरी हैप्पी हैप्पी रक्षाबंधन। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टाटा, सी यू। और हमेशा खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, प्यार बांटते रहिए। जो है आज है, कल किसने देखा है। बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। तो फिर से सभी भाइयों को बहुत ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। और जो भाई और बहन यहाँ नहीं है, उनको हम सभी बहनों ने बहुत सारा मिस किया, हम सभी भाइयों ने बहुत सारा मिस किया और आशा करती हूँ उन्होंने भी हमको बहुत बहुत मिस किया है। तो सभी को फिर से बहुत सारा प्यार और सदा खुश रहो।